तो गुरु लोग थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे भी पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरी RR ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल वो भी है, आप वो पहले जाके देख लो, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा सा व्यू मिलेगा इस वीडियो को देखने का। तो अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गुरु लोग, मैं सीधी साफ बात बोलूँगा कि थिएटर में जब ये मूवी आएंगी तो लोगों की गांडे फट जानी है, मैं लिटरली कह रहा हूँ। क्योंकि देखो भाई, मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना बेहतरीन ट्रेलर होगा, और ऊपर से ये ट्रेलर 4K में था। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं तो एकदम गूज बम्स अभी भी मेरे हाथ में थे जब मैं आखिरी में जब एक और बार स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मेरे हाथ में फिर से गूज बम आ गए थे। और देखो गुरु लोग, जैसे मुझे पता चल रहा है कि NTR हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं, बट उससे भी बड़ी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना मैं रामचरण के लिए खुश हुआ हूँ इस ट्रेलर से, उतना ज़्यादा किसी और के लिए हो ही नहीं सकता। मेरे रिएक्शन वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल में NTR को नहीं, मैंने रामचरण को रखा है। तो देखो गुरु लोग, SS राजामौली कह के लेने वाले में से आदमी है, क्योंकि जब SS राजामौली ने बाहुबली की फेमस होने के बाद उन्हें जब बाहुबली 2 का ट्रेजर निकाला था तो उसी समय कह दिया था कि ये मूवी लोगों को 10-10 साल याद रहेगी, और ये अभी भी हो रहा है। क्योंकि भाई देखो, मैं जब बाहुबली 2 देखने गया था थिएटर्स में तो जनता पागल हो गई थी, और वही काम अभी भी होने वाला है। अब देखो गुरु लोग, अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो ट्रेलर 4K में रिलीज हुआ है, और उससे भी बड़ी बात कि राजामौली ने जो टोन अपने ट्रेलर में रखते हैं उसी टोन से वो मूवी भी बनाते हैं, तो आप सोच सकते हो हमें कितना ग्रैंड स्केल में हमें मूवी देखने को मिलेंगी। और उसके बाद जब गुरु जब ट्रेलर स्टार्ट होता तो मैं शुरू में यही सोच रहा था, जब मैं रिएक्शन भी दे रहा था आप लोगों ने देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा शांत था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर खत्म होने आ गया था, मेरा दिमाग पूरा एकदम सन हो गया था कि गुरु इतने बेहतरीन शॉट आप देखोगे तो ट्रेलर के कुछ 45 मिनट्स एकदम शांति वाले हैं, जिसमें हमें एलिब्रेट किया जाता है कि स्टोरी क्या हमें समझाना चाहती है। फिर उसके बाद जब एक्शन चालू होता है तो भाई काम ही खत्म। आप सोच भी नहीं सकते, इस ट्रेलर में जब वो औरत को एक डंडे से मारा जाता है तो मैं सोचा नहीं था इतने ब्रूटली उस औरत को मारा जा सकेगा। और जब रामचरण पूरी भीड़ में अपने डंडे को घुमाते रहते हैं तो वो ऐसा नहीं लगता कि वो डंडे कहीं से हाथ से छूट रहा होगा या डंडे को कहीं पे हल्का मार रहे होंगे, उनकी ब्रूटलिटी दिख रही थी। और उसके बाद भी आप एक ऐसा सीन देखोगे जिसमें रामचरण खुद एक तीर से एक आदमी के सर पे मारते हैं, तो भाई वो सीन इतना बेहतरीन था, मैं तो बस थिएटर में जैसी ये रिलीज होंगी तो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाऊंगा देखने, सच बता रहा हूँ। तो देखो गुरु लोग, नो वे होम के बाद मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड बस RR के लिए हूँ, और मैं लिटरली कह रहा हूँ कि इस मूवी से मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि मुझे आने वाली SS राजामौली की मूवीज़ का इतना ज़्यादा इंतजार होने लगेगा कि मैं कह भी नहीं सकता। और उससे भी बड़ी बात ये कि मैं इस में कोई रिएक्शन वीडियो बनाना नहीं चाहता था, और ना ही मैं इसके ट्रेलर के ऊपर भी कोई वीडियो बनाना चाहता था। मैं सोच रहा था बस एक आध शॉर्ट्स बना दूंगा इसके ट्रेलर के ऊपर और बस काम खत्म। बट जैसे ही मैंने ट्रेलर देखा तो मैं भाई सच कह रहा हूँ कि एकदम हाथ में गूज़बम्स आ गए थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों से मिलेंगे मेरी न्यू वीडियो में, जिसमें मैं थोड़ी डिटेल्स के बारे में बात करूंगा RR के ट्रेलर के बारे में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अगर आपने मेरे RR के रिएक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको भी देख लो, और मिलते हैं हमारी न्यू वीडियो में।